हिंदी व्याकरण से संबंधित यह टॉपिक है, संधि का ये अमृत है। इन प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से देखना। देखिए पहला प्रश्न है, संधि का अर्थ है। काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है संधि का अर्थ है, तो क्या है संधि का अर्थ? तो दोस्तों संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल, यानी कि जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती है और नया रूप धारण कर लेती है तो वहां दो ध्वनियों की संधि होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना, ये क्या होता है? ये दोस्तों संधि होता है। ठीक है, जैसे हिमालय, तो हिम प्लस आलय, अब इसको जोड़ दिया तो दोस्तों क्या हो गया? हिमालय। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, देखिए दो सुरों या व्यंजनों के मेल को कहते हैं, बताइए दो सुरों या व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? देखिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, दो सुरों या दो व्यंजनों के मेल को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं दोस्तों संधि। क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें तीन नंबर का प्रश्न है, संधि के कुल कितने भेद हैं, बताइए संधि के कुल कितने भेद हैं? तो दोस्तों स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, स्वर संधि के अंदर स्वर का प्रयोग हुआ है और व्यंजन संधि के अंदर दोस्तों व्यंजन प्लस स्वर का प्रयोग हुआ है, और विसर्ग संधि के अंदर दोस्तों विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो अपना इसमें तीन नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तीन भेद है संधि के। ठीक है, आगे देखिए, इसमें चार नंबर का प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों सबको पता है स्वर संधि के दोस्तों कितने भेद होते हैं, तो पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। कौन कौन से? तो दोस्तों दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और अयादि संधि, ये पांच भेद होते हैं स्वर संधि के। ठीक है, याद रखना है आपको, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, चार नंबर का प्रश्न है, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए? यहां पर देखिए निर्लेप शब्द, ये इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है नी है प्लस लेप, नी है प्लस लेप, तो इसमें दो नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ये आपको याद रखना है। इसमें विसर्ग स्वर, सॉरी विसर्ग संधि का इसमें प्रयोग हुआ है, विसर्ग संधि का इसमें प्रयोग हुआ है निर्लेप के अंदर। स्कूल व्याख्याता हिंदी परीक्षा 2014 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जैसे कि निर्लेप की जगह अगर आ जाए निर्गुण, तो दोस्तों अपने को क्या करना पड़ेगा? तो नी है प्लस गुण, तो उसके अंदर भी क्या है? विसर्ग संधि है। ठीक है, दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। पांच नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है गायक शब्द का, तो दोस्तों इसका हो जाएगा अके, उसमें कौन सी संधि होगी बताइए? तो दोस्तों इसमें अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। किसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तो अयादि संधि का प्रयोग हुआ है, जैसे दोस्तों पवन, ठीक है पवन में भी ऐसा ही होगा, ठीक है पव प्लस अन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है चार नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, इसमें अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें सिक्स नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शरत प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी, आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है, शरत प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी, बताइए क्या होगी? तो दोस्तों ये हो जाएगी, बताइए कौन सी? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, देखिए तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें शरद चंद्र चय, ये वाला आएगा दोस्तों, ठीक है शरद मत कर देना आप। ठीक है, तो अपना तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें तीन नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, और आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट भी है महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, आगे देखिए निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? देखिए असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर
कि परीक्षा में 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें भी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, तो वो है नीह प्लस ठुर, नीह प्लस ठुर, ठीक है, ये ठ है इसमें, नीह प्लस ठुर, तो इसमें दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। जैसे कि निष्पादन, ठीक है, निष्पादन में भी नीह प्लस पादन हो जाएगा, और आविष्कार, आविष्कार के अंदर क्या हो जाएगा, तो आवि विसर्ग के साथ में प्लस कार, ठीक है, तो अपना दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आठ नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का उदाहरण है वो कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गुण संधि का नियम क्या है, तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे देखिए कि ए या आ के बाद री आए तो दोनों के मिलने पर अर बनता है, जैसे कि इसमें देवर्षि, तो देवर्षि के अंदर ए और री, यानी कि देव प्लस ऋषि, यानी कि अर का प्रयोग हो रहा है ना इसमें, देवर अर, ठीक है, महर्षि, महर्षि के अंदर भी क्या होगा, महर अर, अर का प्रयोग हो रहा है ना इसमें, तो दोस्तों जहां पर भी आपको अर का प्रयोग दिखे वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर गुण संधि का प्रयोग होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है महर्षि, ठीक है, यानी कि महा प्लस ऋषि, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नौ नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है, यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है तो वो कौन सा नहीं है बताइए, तो यहां पर देखिए दोस्तों यण संधि में, यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्व प्लस अधीन, ठीक है, स्व प्लस अधीन, इसमें दोस्तों देखिए इसमें दीर्घ स्वर संधि का इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है, स्व प्लस, सव प्लस अधीन, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, बाकी अभ्यावेदन, स्वागत और स्त्री उपयोगी, ठीक है, ये तीनों के अंदर दोस्तों यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्व प्लस अधीन, ठीक है। आगे देखिए लुटेरा शब्द का सही विभाजन है, लुटेरा शब्द का सही विभाजन है तो दोस्तों वो है लूट प्लस एरा, क्या हो जाएगा, लूट प्लस एरा, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, आरपीएससी एलडीसी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है वो अपने को इसमें बताना है। यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए मिष्ट प्लस अन, तो इसमें क्या हो जाएगा, मिष्टा अन, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर चार नंबर का ऑप्शन, आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए इसमें विद्यालय शब्द में है, बताइए विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, तो दोस्तों विद्यालय यानी कि विद्या प्लस आलय, ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वर संधि, यहाँ पे दीर्घ नहीं दे रखा, ठीक है, ओनली स्वर दे रखा है, स्वर संधि, तो आपको इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए अपना इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो जाएगा दोस्तों देखिए अंतः प्लस निहित, अंतः प्लस निहित, यानी कि एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2019 में पूछा गया प्रश्न ये। 14 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए देते प्लस अरि सही संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है, बताइए देते प्लस अरि इसका क्या होगा संधि शब्द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है देत्यारी, तो इसमें तीन नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा देत्यारी। देखिए 2019 में पूछा गया प्रश्न है कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा में, तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इसमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है, इसमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है वो अपने को इसमें बताना है, तो दोस्तों यहां पर देखिए देखिए सही नहीं है पूछा है, ठीक है, 2019 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए जलोद, तो जल प्लस ओग बिल्कुल सही है, यहां पे देखिए सट, यहां पे एक प्लस एक, एक एक, ठीक है, और सट प्लस मास, तो षण मास बिल्कुल सही है, यहां पे सु प्लस अच्छ,
ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना है आपको, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए इनमें कौन सा संधि शब्द गलत है, इनमें कौन सा संधि शब्द गलत है वो बताना है अपने को। देखिए 31/5/2019 को यह प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है। तो दोस्तों वो है इसमें वर्षा ऋतु, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्षा प्लस ऋतु, तो वर्षातु है वो गलत दे रखा है इसमें। वाक प्लस ही वागीस, देव प्लस सॉरी देवी प्लस अर्पण देव्यर्पण, मात्र प्लस आज्ञा तो मात्रा ज्ञा, ठीक है। तो इसमें तीनों सही है, 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर सॉरी 17 नंबर का प्रश्न है। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों बताइए, तो इसमें पवन में कौन सी संधि है बताइए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा पो प्लस अन। क्या हो जाएगा? पो प्लस अन। मैंने बताया था ना आपको अभी थोड़ी देर पहले, गायक में भी कौन सी संधि है, अयादि संधि, और पवन में भी कौन सी संधि है, तो इसमें भी दोस्तों कौन सी संधि है, अयादि संधि। जैसे भावुक, ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, तो इसमें भी अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए किस शब्द में गुण संधि है, किस शब्द में गुण संधि है बताइए। तो यहां पे देखिए आपको ऊपर एक मात्रा दिख रही है ना, ठीक है। तो जहां पर भी आपको ऊपर एक मात्रा दिख जाए तो दोस्तों लगभग लगभग 90% है वो उसमें गुण संधि का ही प्रयोग हुआ होता है। तो यहां इसमें देखिए भारतीय ते के ऊपर ऊपर मात्रा दिख रही है ना आपको, तो ये इसके अंदर कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। आरटेट द्वितीय स्तर 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। भारत प्लस इंदु, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें इत्यादि का संधि विच्छेद है, इत्यादि का संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा बताइए। बीएड परीक्षा 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। इत्यादि का संधि विच्छेद है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें दोस्तों यण संधि का प्रयोग हुआ है, यानी कि य र ल व के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो दोस्तों उसमें यण संधि का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें महाऔषधम शब्द का संधि विच्छेद है बताइए, महाऔषधम। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महा प्लस औषधम, महा प्लस औषधम, यानी कि अपना 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाऔषधम का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस औषधम, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि होगी, अब देखिए एक मात्रा आ जाए तो गुण संधि, और जहां पर दो मात्रा दिख जाए तो उसमें कौन सी संधि होगी, तो उसमें दोस्तों वृद्धि संधि होगी। अब यहाँ पे हो के ऊपर देखिए आपको दो मात्रा दिख रही होगी, ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें वृद्धि संधि है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 21 नंबर का प्रश्न है। देखिए महेंद्र में कौन सी संधि होगी, अभी मैंने आपको बताया था जहां पर भी आपको ऊपर एक मात्रा दिख जाए तो उसमें गुण संधि, और दो मात्रा दिख जाए तो उसमें कौन सी संधि, तो उसमें दोस्तों वृद्धि संधि। अब यहाँ पे महेंद्र के अंदर आपको एक मात्रा दिख रही है ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महा प्लस इंद्र, यानी कि महेंद्र, ठीक है, याद रखना है आपको। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नायक में कौन सी संधि है, नायक नायक में कौन सी संधि है, तो दोस्तों वो ही जैसे कि पवन, ठीक है, गायक के अंदर जो संधि थी वो ही संधि दोस्तों नायक में होगी, ठीक है। नायक में क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ने प्लस अक, क्या हो जाएगा, ने प्लस अक, यानी कि नायक है, इसमें अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। पटवार भर्ती परीक्षा 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 23 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, भवन का संधि विच्छेद, तो इसके अंदर भी उसी का प्रयोग होगा जिसमें नायक में जो संधि थी, गायक में जो संधि थी, पवन में जो संधि थी, वो ही संधि दोस्तों भवन में होगी, ठीक है, तो कौन सी, अयादि संधि। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भो प्लस अन, भो प्लस अन, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए ग्रीस में कौन सी संधि है, ग्रीस में कौन सी संधि है, तो दोस्तों बताइए
यहाँ पे गिरीस यानी कि इसका अगर संधि विच्छेद करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, गिरी प्लस ईस, क्या हो जाएगा, गिरी प्लस ईस। तो एक के अंदर छोटी ई मात्रा फिर बड़ी ई मात्रा, बराबर क्या बन रहा है, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा बन रही है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कौन सी संधि, तो दीर्घ स्वर संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भानुदय में कौन सी संधि है, भानुदय में कौन सी संधि है, तो दोस्तों भानु प्लस उदय, ठीक है, भानु प्लस उदय ये मात्रा है, वो अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो ये भानु वाली जो नु वाली मात्रा है ये छोटी हो जाएगी, ठीक है, भानु प्लस उदय, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, तो इसमें भी दोस्तों दीर्घ स्वर संधि का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मित्रों प्रश्न है वो बहुत ही शानदार लेवल के हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंचता रहे, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए मित्रों। देखिए गंगोदक को कौन सी संधि है, बताइए यहाँ पे देखिए गंगोदक शब्द दे रखा है ये, ठीक है, गंगोदक, गंगोदक में कौन सी संधि है बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सी संधि है, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर भी आपको एक मात्रा ऊपर दिख जाए तो उसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि, और जहां पर भी आपको दो मात्रा दिख जाए तो उसमें वृद्धि संधि। तो यहाँ पे गंगोदक में एक मात्रा आपको ऊपर दिख रही है तो इसमें क्या होगा, गुण संधि होगी, ठीक है। पटवार परीक्षा 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसमें दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। गंगोदक यानी कि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा प्लस उदक, ठीक है, गंगा प्लस उदक। तो इसका राइट आंसर दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए न्यून में कौन सी संधि है, न्यून में कौन सी संधि है, अभी मैंने आपको बताया था कि य, र, ल और व, इनके आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो दोस्तों उसमें क्या होगा, उसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है, उसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। तो न्यून का अगर संधि विच्छेद करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है यण संधि का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पूरी की पूरी मैं आपको हिंदी ग्रामर करवाऊंगा, ठीक है, करीबन 17-18 टॉपिक माने जाते हैं हिंदी ग्रामर के अंदर, वो सारे के सारे उन सभी टॉपिकों के मैं आपको 100-100 प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए पावक में कौन सी संधि है, पावक में कौन सी संधि है, तो इसमें वही संधि है जो संधि गायक में थी, पवन में थी, ठीक है, नायक में थी, जो संधि इन तीनों शब्दों में थी वही संधि दोस्तों पावक में भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अयादि संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, पो प्लस अक, पो प्लस अक। तो इसमें राइट आंसर दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। पटवार भर्ती परीक्षा 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, नयन में कौन सी संधि है, नयन में कौन सी संधि है, तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि है नयन में, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, इसमें नयन में संधि विच्छेद ने प्लस अंध, तो इसमें भी दोस्तों क्या होगा, अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। पावक में, नयन में, गायक में, इनमें क्या है, तो इन सभी के अंदर क्या है, अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसमें राइट आंसर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो ने प्लस अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ने प्लस अन, ठीक है। आगे देखिए इसमें 30 नंबर का प्रश्न है, निराशा शब्द का संधि विच्छेद है, निराशा शब्द का संधि विच्छेद है तो वो क्या हो जाएगा, निराशा शब्द का, तो दोस्तों बताइए निराशा शब्द का संधि विच्छेद, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो आपको इसमें बताना है, बताइए। चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। निराशा शब्द में कौन सी संधि है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए शिक्षक श्रेणी पर शिक्षक भर्ती परीक्षा अंदर ये प्रश्न है वो मित्रों पूछा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों
नी है प्लस आसा, तो इसमें क्या होगा, इसमें विसर्ग संधि का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अपना, इसमें देखिए प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, बताइए प्रत्युपकार में कौन सी संधि है वो आपको इसमें बताना है। बताइए प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, तो दोस्तों इसमें संधि हो जाएगी कौन सी, तो दोस्तों देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये व र ल, ठीक है, इनके आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें कौन सी संधि होगी, तो उसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, यण संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण है, अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गायन, गायन आपको दिख रहा है ना, तो इसमें अन का प्रयोग हुआ है, देखिए गायन, ठीक है, तो इसमें क्या है, तो गई तो इसमें अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर दो नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पटवार भर्ती परीक्षा 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, व्यायाम में कौन सी संधि है, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया नियम के य र ल व के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें कौन सी संधि होगी, तो उसमें भी क्या होगी, यण संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है, अगर इसका अपन संधि विच्छेद करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वी प्लस आयाम, वी प्लस आयाम यानी कि व्यायाम, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ये, ठीक है, और इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है, तो इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 34 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए सातवां चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है, बताइए पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है, सातवां चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है, तो दोस्तों वो हो जाएगा साधु प्लस आचरण, क्या हो जाएगा, साधु प्लस आचरण, तीन नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, साधु प्लस आचरण, इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी यण संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, किस क्रमांक में मधु आचार्य की संधि है, बताइए मधु प्लस आचार्य, यहाँ पे मधु प्लस है, ठीक है, तो किस क्रमांक में मधु प्लस आचार्य की संधि है, बताइए पटवार भर्ती परीक्षा 2011 के अंदर प्रश्न पूछा गया है, तो वह है दोस्तों मध्वाचार्य, मध्वाचार्य के अंदर भी क्या है, तो इसमें भी यण संधि का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि य र ल व के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो दोस्तों आपको उसमें क्या करना है, यण संधि का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है, तो बताइए कौन से क्रम में वृद्धि संधि नहीं है। अब आपको यहाँ पे दिख गया होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि वृद्धि संधि के अंदर आपको दो मात्रा देखने को मिलेगी शब्द के अंदर, ठीक है, और गुण संधि के अंदर आपको एक मात्रा मिलेगी। अब एक मात्रा किस में है, तो ये देखिए स्वैच्छिक में दो मात्रा है, जलोक में दो मात्रा है, वसुदेव में दो मात्रा है, लेकिन यहाँ पर देखिए महाप्लस ऊर्जा, इसके अंदर महोर्जा, इसके अंदर आपको एक मात्रा दिख रही है ना, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है, क्या हो जाएगा, देखिए मैंने अभी आपको नियम बताया था य र ल व के आगे आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें क्या होगा, उसमें यण संधि का प्रयोग। देखिए यहाँ पे नैस्त, नैस्त य के आगे आधा कटा हुआ अक्षर आ रहा है ना, तो इसमें क्या है, इसमें यण संधि है। ठीक है, तो ये यण संधि का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर एक नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों है वो दोस्तों अयादि संधि के उदाहरण है। ठीक है, ये स्रो है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 38 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य में कौन सी संधि है, मत्स्य में कौन सी संधि है, तो दोस्तों मत्स्य में दो मात्रा आपको दिख रही है, तो सीधा सा है, इसमें क्या होगा, वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मत प्लस एक के, मत प्लस एक के। ठीक है, ये तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2012 के अंदर ये पूछा गया था। आगे देखिए, प्रेक्षण शब्द बना है, प्रेक्षण शब्द बना है, तो ये किससे बना है, तो दोस्तों ये बना है प्र प्लस इक्षण से, प्र प्लस इक्षण से ये प्रेक्षण शब्द है वो बना है। ठीक है, और इसमें किसका प्रयोग हुआ है, तो इसमें देखिए एक मात्रा आ रही ऊपर, तो इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, गुण संधि से बना शब्द है, गुण संधि से बना शब्द है, तो मैंने अभी आपको नियम बताया था गुण संधि का, कि जहां पर भी आपको ऊपर एक मात्रा दिख जाए तो आप उसमें क्या करोगे, गुण संधि का प्रयोग आपको करना है। अब किस में है एक मात्रा, तो ये देखिए साहित्य उन्नति, इसके अंदर आपको यो के ऊपर एक मात्रा दिख रही है ना,
तो इसमें क्या है, उसमें इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीय ग्रेड भर्ती परीक्षा 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साहित्य प्लस उन्नति। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 41 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए गुण संधि का उदाहरण है। बताया कि जहां पर भी आपको एक मात्रा दिख जाए तो वहां पर आपको क्या करना है, गुण संधि का प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए भारतेंदु, भारतेंदु के ऊपर आपको एक मात्रा दिख रही है ना, तो इसमें क्या है, इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है, यानी कि भारत प्लस इंदु, यानी कि भारतेंदु। ठीक है, राइट आंसर इसका 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2010 में यह पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए किस क्रमांक में सही विच्छेद है, किस क्रमांक में सही विच्छेद है बताइए। तो दोस्तों यहां पे देखिए वधु उल्लास, यानी कि वधु प्लस उल्लास दे रखा है। ठीक है, वधु उल्लास में वधु प्लस उल्लास दे रखा है। अब यहाँ पे जो मात्रा दे रखी है दोस्तों, वधु के अंदर ये छोटी मात्रा दे रखी है, इसमें आएगी बड़ी मात्रा, इसमें क्या आएगी, बड़ी मात्रा आएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पद्धति, ठीक है, तो यहाँ पे पथ प्लस हति दे रखा है, तो दोस्तों पथ नहीं आएगा इसमें, पद प्लस हति आएगा। क्या आ जाएगा, पद प्लस हति, दय, ये वाला दय आएगा इसमें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुल, कुलटा, ठीक है, कुलटा के अंदर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों कुल प्लस अटा, कुल प्लस अटा। ठीक है, तो ये इसमें आधा लय दे रखा है, जो कि इसमें पूरा लय आएगा इसमें। ठीक है, कुल प्लस अटा हो जाएगा। और देखिए इसमें जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी, ये बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों इसमें। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन है, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जलोर्मी के अंदर देखिए एक मात्रा आ रही है ऊपर, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए इसमें 43 नंबर प्रश्न है, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मनोप्रसाद, ठीक है, मनोप्रसाद, मनोप्रसाद के अंदर दोस्तों है वो सही संधि, और अबजात, यानी कि अबजात, यानी कि एफ प्लस जात, बाकी इसमें सारे सही है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2008 में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है। तो यहां पर देखिए दोस्तों शिशु प्लस एक के, यानी कि शिशु के, ठीक है, ये उदाहरण है संधि का, ये बिल्कुल सही उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अब यहाँ पे देखिए गो प्लस इंद्र दे रखा है, गावेंद्र। ठीक है, तो दोस्तों गो प्लस इंद्र से गवेंद्र बनता है, ना कि गावेंद्र। ठीक है, गवेंद्र बनता है, गवेंद्र, ठीक है, गवेंद्र बनता है, ना कि गावेंद्र। और यहाँ पे देखिए सठ प्लस मुख, तो यहाँ पे षडमुख दे रखा है, तो दोस्तों इसका बनेगा सठ प्लस मुख। ठीक है, सठ प्लस मुख, इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे बनता है षणमुख। यहाँ पे अड़ दे रखा है ना, इसकी जगह ये वाला न आएगा, राणा जी का नहीं है, ये आधा आएगा इसमें। ठीक है, षणमुख आएगा। और यहाँ पे 4th नंबर का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों चतुर्कपाल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें चतुष्क फल पाल होता है, चतुष्क पाल होता है, चतुर्क पाल नहीं होता, तो इसका प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है, किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनविक्षा, यानी कि अनु प्लस इक्षा, अनविक्षा के अंदर क्या होगा, अनु प्लस इक्षा, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है, और मैंने आपको नियम बताया था य र ल व के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। आगे देखिए मीरा प्लस अयन, इसमें क्या हुआ है, तो इसमें सही संधि का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। पटवार परीक्षा 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम है बताइए, किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए अक्षौहिणी,
क्या हो जाएगा, अक्षौहिणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ये अपवाद है। ठीक है, अक्षौहिणी। आगे देखिए, इनमें स्वर संधि से बना पद है, इनमें स्वर संधि से बना पद है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों दीक्षांत। क्या हो जाएगा? दीक्षांत। तो इसमें दोस्तों दीक्षा प्लस अंत, दीक्षा प्लस अंत, इसमें स्वर संधि का है वो प्रयोग हुआ है, दीर्घ स्वर संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 49 नंबर प्रश्न है, किस क्रमांक में यण संधि नहीं है? किस क्रमांक में यण संधि नहीं है? तो बताइए किस क्रमांक में यण संधि नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इस देखिए, यहाँ पे स्वागत, ठीक है, आपको दिख गया होगा स्वागत, ठीक है। और देखिए यहाँ पे यण संधि के बारे में पूछा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यण संधि नहीं है ये पूछा है। स्वागत में भी यण संधि है, मात्रानंद में भी यण संधि है, यद्यपि में भी क्या है, यण संधि है, लेकिन यहाँ पे महर्षि, महर्षि के अंदर दोस्तों गुण संधि है। क्या है? गुण संधि है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। पटवार 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, यहाँ पर भावुक शब्द दे रखा है, भावुक का हिंदी यानी कि भावुक का संधि विच्छेद है वो किस क्रम में है? अयादि संधि का इसमें प्रयोग हुआ है दोस्तों, भाव प्लस उक, ठीक है, भाव प्लस उक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भाव प्लस उक अयादि संधि। संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए, अभ्यागत, अभ्यागत में आपको डबल मात्रा नहीं दिख रही ना, इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें यण संधि का है, एक एक जलोद और महोस्त, इन तीनों के अंदर आपको डबल मात्रा दिख रही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें अयादि संधि में एक के बदले क्या हो जाता है? अयादि संधि में एक के बदले क्या हो जाता है बताइए? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयादि संधि में एक के बदले है वो क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है दोस्तों आए। क्या हो जाता है? आए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, आए हो जाता है। देखिए, पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, इसमें 53 नंबर प्रश्न है, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस क्रम में संधि का सही प्रयोग है वो नहीं हुआ है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए शब्द प्लस इतर यानी कि शब्देतर, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, रजनी प्लस ईश, रजनीश, और अहम प्लस कार यानी कि अहंकार, ठीक है। यहाँ पे अनु प्लस दित, अनुदित दे रखा है, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, इसमें अनु प्लस दित गलत दे रखा है, इसमें अनु प्लस उदित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनु प्लस उदित, तो ये अनुदित हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें संधि का सही प्रयोग है वो नहीं हुआ है। आगे देखिए, इसमें किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है बताइए? किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो वो है दोस्तों दायिनी, दायिनी, ठीक है, तो यानी कि दई प्लस इनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसमें आय का आ रहा है ना, दाई, आय, आय, आय का प्रयोग हो रहा है इसमें, ठीक है, तो इसमें अयादि संधि का प्रयोग हुआ है, 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। पटवार भर्ती परीक्षा 2011 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो ये तो आंख बंद करके आप कर दोगे वैसे ही। देखिए, मैंने आपको बताया कि जहां पर आपको ऊपर एक मात्रा दिख जाए तो उसमें कौन सी संधि होगी? तो उसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, चंद्र प्लस उदय यानी कि चंद्रोदय। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, शीला तभी नाचेगी तब उसे पूरे पैसे मिलेंगे, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है। यहाँ पे तभी, ठीक है, तभी प्लस ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तब प्लस ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यर्थ। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको नियम बताया था यण संधि का,
य र ल व के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें क्या करना है, उसमें यण संधि का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए ई प्लस ए, ई प्लस ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वी प्लस अर्थ यानी कि व्यर्थ, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी प्लस अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ई प्लस ए हो रहा है ना, ठीक है, इसका राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए महेश शब्द का संधि विच्छेद है, महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों महेश शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों बताइए, एक मात्रा ऊपर दिख रही है आपको, तो सीधा सा है, इसमें क्या होगा, गुण संधि का प्रयोग हुआ है, तो महा प्लस ईस, महा प्लस ईस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अन्वय का संधि विच्छेद होगा, अन्वय का संधि विच्छेद होगा, तो बताइए क्या होगा अन्वय का संधि विच्छेद, तो वो जाएगा दोस्तों अनु प्लस ए, अनु प्लस ए, ये दोस्तों किस में क्या होगा, तो इसके अंदर दोस्तों किसका प्रयोग हुआ है बताइए, तो इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है, अनु प्लस ए, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, दीर्घ संधि युक्त पद है वो कौन सा है बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बताइए, देखिए देवेंद्र में तो क्या हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे दैत्यारी, दैत्यारी के अंदर हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दोस्तों, ये अपवाद है, दीर्घ संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, परोपकार, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक मात्रा आपको ऊपर दिख रही है, तो इसमें गुण संधि का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, गुण संधि का इसमें प्रयोग हुआ है, यानी कि पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, यानी कि परोपकार, तो इस प्रश्न का राइट आंसर दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहां पर देखिए शब्द दे रखा है बिम्बोस्ट, ठीक है, यहां पर इसको काट दीजिए, ठीक है, यहां पर शब्द दे रखा है बिम्बोस्ट का संधि विच्छेद है, बताइए बिम्बोस्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों बिंब प्लस ओष्ठ, बिंब प्लस ओष्ठ, आपको यहाँ पे दो मात्रा दिख रही है ना, ठीक है, बिम्बोस्ट के अंदर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों बिंब प्लस ओष्ठ यानी कि अपना इसमें एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड ग्रेड परीक्षा में 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए नेति का संधि विच्छेद होगा, नेति का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों न प्लस बताइए इति, न प्लस इति, इसमें किसका प्रयोग हुआ है, देखिए एक मात्रा है, तो इसमें गुण संधि का इसमें प्रयोग हुआ है, चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, न प्लस इति। ठीक है, आगे देखिए इसमें उचित शब्द का विच्छेद है, उचित शब्द का विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों उत प्लस शिष्ट, क्या हो जाएगा, उत प्लस शिष्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और इसमें का प्रश्न है व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो दोस्तों बताइए इसमें इनमें से व्यंजन संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए जो तपोवन है तो इसमें तो विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तप है प्लस वन, ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें परमोष्ठ, परमोष्ठ आपको दिख रहा है, इसमें डबल मात्रा आपको दिख रही है, तो इसमें वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे दुरुपयोग, दुरुपयोग के अंदर दोस्तों आपको विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है, यानी कि दुह प्लस उपयोग, ठीक है, अब बच गया अपने पास में क्या, उद्दत है, तो उद प्लस इसमें उत प्लस हत हो जाएगा, उद्दत का क्या हो जाएगा, उत प्लस हत हो जाएगा, और इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पीएसआई परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है, देखिए डाकघर का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है, बताइए डाकघर, यहाँ पे डाकघर का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है, तो क्या होता है हिंदी में उच्चारण, तो हो जाएगा डाकघर, क्या हो जाएगा डाकघर, ठीक है, तो इसमें दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए अपना इसमें सचिदानंद का संधि विच्छेद है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, सचिदानंद
का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा सत प्लस चित प्लस आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद। तो इसका एक नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए इसमें छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है, छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है, तो वो क्या है? तो दोस्तों इसमें संधि का इसमें अशुद्धि है, ठीक है, संधि की, इसमें एक नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगर इसका शुद्ध रूप लिखें तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा सम प्लस कृत, सम प्लस कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें इसका राइट आंसर दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सम प्लस कृत। ठीक है, आगे देखिए इसमें उच्चारण का संधि विच्छेद है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों उत प्लस चारण, क्या हो जाएगा? उत प्लस चारण। इसमें व्यंजन संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, वृक्ष चचाया का संधि विच्छेद होगा, वृक्ष चचाया का संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका संधि हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वृक्ष प्लस छाया। इसमें व्यंजन संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। आगे देखिए सद्भावना का संधि विच्छेद होगा, बताइए। देखिए आरटेट द्वितीय स्तर परीक्षा 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, सद्भावना का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इसका सद्भावना का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों सत प्लस भावना, सत प्लस भावना। व्यंजन संधि का क्या हुआ है? इसमें प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या है, परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों वो हो जाएगा इसमें परि प्लस छेद, क्या हो जाएगा? परि प्लस छेद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 74 नंबर प्रश्न है, देखिए जगदीश शब्द में कौन सी संधि है, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश। तो दोस्तों इसमें व्यंजन संधि का क्या हुआ? कौन सी संधि है, तद्रूप में कौन सी संधि है? तो दोस्तों तत् प्लस रूप, तत् प्लस रूप। तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? इसमें हो जाएगी दोस्तों व्यंजन संधि का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यंजन संधि। पटवार भर्ती परीक्षा 2011 के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? तो दिक का कबूतर वाला आ जाएगा, ठीक है, दिक प्लस दर्शन। तो दोस्तों इसमें व्यंजन संधि है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वागदान में कौन सी संधि है, बताइए वागदान में कौन सी संधि है? पटवार परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वागदान में? तो वाक प्लस दान है, वाक, ठीक है, वाक, यहां पर वाक, ठीक है, प्लस दान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है व्यंजन संधि का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए विपज्जाल में कौन सी संधि है, विपज्जाल में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें संधि हो जाएगी, इसमें कौन सी संधि? तो इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग इसमें हुआ है, ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों इसमें देखिए 79 नंबर प्रश्न है, किस क्रम में सही संधि नहीं हुई, किस क्रम में सही संधि है वो नहीं हुई? पटवार 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भवत प्लस निष्ठ यानी कि बहुनिष्ठ, भवत प्लस निष्ठ यानी कि बहुनिष्ठ, इसमें क्या हुआ है? तो इसमें दोस्तों सही संधि का है वो प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भवत प्लस निष्ठ, तो दोस्तों यहाँ पर बहुनिष्ठ होगा, क्या होगा शब्द? तो दोस्तों इसमें तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें रामायण शब्द का संधि विच्छेद होगा, रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें राम प्लस क्या हो जाएगा? आयन, सॉरी अयन, राम प्लस अयन,
ठीक है, राम प्लस अयन, तो इसमें रामायण में कौन सी संधि होगी, तो इसमें दीर्घ संधि का इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर है एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। यहां पर देखिए पटवार परीक्षा 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। यहां पर देखिए, देखिए आपको दिख रहा होगा रामायण, राम प्लस आयन दे रखा है, लेकिन मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था, राम प्लस आयन, राम प्लस आयन, इसमें क्या हुआ है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि का इसमें प्रयोग हुआ है, यहाँ पे आयन दे रखा है जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। इस प्रश्न का राइट आंसर तीन नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस क्रमांक में वाक प्लस इस की संधि है, किस क्रमांक में वाक प्लस इस की संधि है, तो दोस्तों वो है वागीस। ठीक है, ये अपना जो तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है, बताइए। तो दोस्तों व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, वाक प्लस वैभव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर तीन नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, आधा कह का इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें द से पहले यदि री स्वर आए तो न किस में बदल जाता है, द से पहले यदि री स्वर आए तो न किस में बदल जाता है, तो न है वो किस में बदल जाता है, बताइए। द के पहले यदि री स्वर आए तो द किस में बदल जाता है, तो द है वो दोस्तों अण में बदल जाता है। पिचासी नंबर प्रश्न है, व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है, व्यंजन संधि का सही उदाहरण है वो किस क्रम में है, तो दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों इसमें संगठन। ठीक है, संगठन में क्या हो जाएगा, सम प्लस गठन, इसमें दोस्तों व्यंजन संधि का है वो सही प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए उदार में कौन सी संधि है, उदार में कौन सी संधि है, तो दोस्तों उत प्लस हार व्यंजन संधि का इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर तीन नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, वार्ड में कौन सी संधि है, बताइए वार्ड में कौन सी संधि है, तो इसमें भी दोस्तों क्या हो जाएगा, वाक प्लस में, तो यानी कि इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 88 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए तय या दय के आगे चय या छ हो तो तय या दय के बदले क्या हो जाएगा, तो तय या दय के बदले क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा छह, दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए उच्चारण, ठीक है, उच्चारण का क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए इसका राइट आंसर, सॉरी 89 नंबर प्रश्न का, उल्लास में कौन सी संधि है, उल्लास में, तो दोस्तों उत प्लस लास यानी कि उल्लास। ठीक है, तय का क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा, तो इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, तो इसमें दो नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। पटवार भर्ती परीक्षा 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, घुड़दौड़ शब्द का संधि विच्छेद है, घुड़दौड़ शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़, क्या हो जाएगा, घोड़ा प्लस दौड़, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा अभी प्लस शेक, अभी प्लस शेक, ये जो शेक में देखिए और यहाँ पे शेक में देखिए, अभी प्लस शेक, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए उद्धरण में उद्धरण का संधि विच्छेद होगा, बताइए उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा उत प्लस हरण, व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, उत प्लस हरण, 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, देखिए सन्मति का संधि विच्छेद है, सन्मति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सत प्लस मति, क्या हो जाएगा, सत प्लस मति, तो इसमें चार नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सत प्लस मति। आगे देखिए, जगत प्लस आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा, जगत प्लस आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो वो बनेगा दोस्तों जगदानंद, कौन सा बनेगा, जगदानंद, दो नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जगदानंद। आगे देखिए, इसमें पृष्ठ का संधि विच्छेद होगा, बताइए, देखिए पृष्ठ का संधि विच्छेद होगा, तो पृष्ठ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों इसमें पृष्ठ प्लस थ, पृष्ठ प्लस थ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
96 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किस क्रमांक में अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है, बताइए अधिष्ठाता का। तो दोस्तों इसमें अधि प्लस स्थाता, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दो नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए पटवार भर्ती परीक्षा 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए प्रमाण में कौन सी संधि है, बताइए प्रमाण में कौन सी संधि है। तो दोस्तों बताइए इसमें देखिए प्रमाण के अंदर व्यंजन संधि हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि का इसमें ये प्रयोग हुआ है, प्रमा प्लस न... ठीक है। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों आ प्लस चरिए, ठीक है। अब इसका देखिए विसर्ग आ रहा है ना यहाँ पे, तो अगर अपन इसको चेंज करेंगे तो किस में जाएगा, आधा सेकंड के अंदर बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों ये मैंने आज आपको जो हिंदी व्याकरण में संधि एवं संधि विच्छेद का जो टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक के मैंने आपको ये टॉप 100 प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। कल मैं आपको समाज से संबंधित भी करवाऊंगा, संपूर्ण हिंदी व्याकरण के मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो करवाऊंगा। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों, हिंदी व्याकरण के टॉप 100 प्रश्न इस नाम से वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाके पिछली क्लासे हैं वो जरूर देखना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।